जी सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सस्ते रिएक्शन ते, जिथे मेरी मदर इन लॉ और मैं मिलके डेली टू वीडियोस ते रिएक्ट करदे हां, तुहाडी सारी फरमाइशां नू पूरे करदे हां। अज दी जो वीडियो है, अज दी जो तकरीर असी सुनन जा रहे हां, ओदा टाइटल सी कि ऐसी तकरीर आपने कहीं नहीं सुनी होगी। और यह जो तकरीर है वह है अलामा मुहम्मद शाफी उकरवी साहब की। असं इन्हों पहली बार सुन जा रहे हैं, तो मैं जब इन्हों का टाइटल पढ़िया, इन्हों अशर लेंदे पंजाब तो है, इन्होंने शेरे पंजाब का टाइटल सी, तो मैं बड़ी इंप्रेस्ड हुई कि चलो जरूर सुनना चाहिए है, कि क्योंकि असं भी मतलब पंजाब साढ़े लिए बहुत क्लोज है। तो चलो लहदा पंजाब हो चढ़ता पंजाब हो, पंजाब तो इको ही है। अज असं सुन जा रहे हैं उकरवी जी पहली बार, उन्होंने एक तकरीर सुना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਇਨਕੋ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਇਸਕਾ ਤੋ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕੇ ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਗੈਬ ਕੀ ਖਬਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਖਬਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਬੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਤੇ ਥੇ। ਯਹਾਂ ਜਮਨਨ ਨੇ ਏਕ ਬਾਤ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਏਕ ਦਿਨ अपने घर में बैठ कर ना चंद कैंकरियाँ लेकर अच्छी तरह मुट्ठी बंद करके ना, तो इधर उधर से देखा कि नज़र तो नहीं गया थी, और हुजूर के पास आ गया। कहने लगा अगर तू अल्लाह का सच्चा रसूल है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपने अंदाज में पेश किया, वैसे ये हदीस खसाइस कुबरा शरीफ में मौजूद है। अबू जाल कहने लगा कि गर रसूली चीस्त दर दस्तम नेहां, चूं खबर दारी जे राजे आसमां। अबू जाल कहने लगा गर रसूली, अगर तू रसूल है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या चीज पोछी। मालूम हुआ कि अबू जाल भी इस हकीकत को जानता था कि जो रसूल होता है उसको पोशीदा चीजों का भी इलम होता है, वो गैब उसके लिए गैब नहीं होता बल्कि शहादत होता है, उसकी निगाह पर्दों के अंदर तक जाती है, और वो निहां और पोशीदा चीजों को भी देखती है। इसीलिए तो उसने कहा अगर तू रसूल है तो मेरी बता मेरी मुट्ठी में क्या चीज। हुजूर ने फरमाया अबू जाल तू तो एक बात का मुतालबा कर रहा है, हम दो करके दिखाएंगे। हम बताएंगे तेरी मुट्ठी में क्या है, और जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बताएगी कि हम कौन है। चुनांचे हुजूर ने फरमा दिया कि तेरी मुट्ठी में छह टुकड़े हैं पत्थर के, गुफ्त शशि पारा हजर दर दस्ते तुष्ट, और विष्णु अज हर यक तो तस्बी है दुरुस्त। फरमा तेरी मुट्ठी में पत्थर के छह टुकड़े, मैंने बता दिया कि पत्थर के टुकड़े हैं पीछे, अब तू सुन ले कि ये पत्थर के टुकड़े किस तरह अल्लाह की हमदो सना और किस तरह अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत के गीत गाते। चुनांचे सरकार ने जब फरमाया तो अबू जाल की मुट्ठी में पत्थरों ने कलमा पढ़ा, शहदो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व शहदो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जाल ने वो संगरेजे जमीन पर फेंक दिए और कहने लगा मोहम्मद जैसा दुनिया में जादूगर कोई नहीं, माजन नकले कुफर कुफर ना बात। खैर ये जिमनन बात आ गई। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर करो, ख्वाब बादशाह ने देखा, अपने महल में सोए हुए देखा। जरा सोचो मेरे तुम्हारे सामने कोई शख्स सो रहा हो और वो कुछ देख रहा हो तो हमें पता चलता है? तो बड़े से बड़ा लामा हो, फलसफी हो, मंतकी हो, उसको पूछो कि क्या कहा, इसके साथ क्या हो रहा है, क्या देख रहा है? नहीं देख सकते आप, नहीं आप मालूम कर सकते, मगर अल्लाह वालों की शान और है। जैसे मौलाना ने फरमाया ना, अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरा महबूब बन जाता है उसकी आंख मैं बन जाता हूं। चुनांचे मैं आपको बताऊं, सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला नो मिंबर पर बैठे हुए बात फरमा रहे थे, तो मजमे में लोग जो बैठे हुए थे उनमें एक शख्स ऊंग रहा था।
जिसने हैं, ये बड़ा आशिक आदमी जी। मैं जब से कराची में आया हूँ ये हमेशा मेरा आवाज सुनने आता है और मैं ऐसा ही इसको देखता हूँ। मैं उस वक्त बच्चा सा था, बूढ़ा हो गया, उसी तरह का ही है और आंदा भी है, रोज दूर दूर आता है और बाद मरतबा इस बेचारे को सवारी नहीं मिलती, पैदल चल के जाता है कितने कितने मील ये पैदल सफर करते। ऐसे तो एक आदमी मजमे में बैठा हुआ हूं, गौसे आदम मिंबर से नीचे उतरे उस उरूंगने वाले के पास जाकर अदब से खड़े हो गए हाथ बांध कर। लोग हैरान, भी ये सुता पे है, ये सोया हुआ है और गौसे आदम हाथ बांध के यूं खड़े हुए जैसे मुरीद पीर के सामने खड़ा होता, अजीब बात। वाद छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर आए और एक ऊंगने और सोने वाले के पास आकर दस्तबस्ता खड़े। थोड़ी देर के बाद उस ऊंगने वाले की जो आंख खुली ना, तो उसने देखा कि हजरत साहब पास खड़े हैं, तो वो हजरत साहब को देख के मुस्कुराया, आप उसको देख के मुस्कुराए और फिर गौसे आजम आकर मिंबर पर बैठ गए और वाज फरमाना शुरू कर दी। जब आप फारिग हुए तो खास खास लोगों ने अर्ज किया, हजरत वो तो सो रहा था और आप उसके पास दस्तबस्ता जाकर खड़े हो गए, तो ये क्या बात थी? फरमाया, हां भाई वो तो सो रहा था मगर उसकी किस्मत जाग रही थी। वो तो सो रहा था मगर उसकी किस्मत जाग रही थी। हजरत वो कैसे? फरमाया, वो उस सोने की हालत में हुजूर की जियारत कर रहा था। गौसे आजम ने फरमाया, वो तो ख्वाब में सरकार की जियारत कर रहा था और मैं उसके पास खड़ा हुआ बेदारी में सरकार को देख रहा था। तो देखिए अल्लाह कबीर जी दी जो है तकरीर आज ऐसी सुनी है, मतलब बहुत ही उन्होंने इमोशनल कर देता है। जो उन्होंने पहला जो वाक्य सुनाया अबू जहाल जी का, फिर दूसरा उन्होंने जो हजरत जी का सुनाया कि किस तरह उन्होंने नाल एक बंदा जो सुत्ता पे है उन्होंने कोल जाके भी उन्होंने देखा, सब पूछ रहे कि ऐ तो सुत्ता पे तुसी इन्हां कोल क्यों जा रहे हो, पर वो कहते ना सुत्या भी अगर तुसी अपने रब नू सला रहे हो ना, रब नू चेते कर रहे हो, तो तुहाडी ओ नींद भी परवान है, तुहाडे ख्वाब भी परवान कर दिंदा रब। ते ओही गल हुई ना, नींद विच भी ओदा ध्यान ते वाहिगुरु वल लग गया ना, अपने अल्लाह वल लग गया, इस करके ओदी किस्मत जाग गई। अखां तो सुत्या पर सानू तकरीर बहुत अच्छी लगी, असीं पहली बार इन्हां नूं सुनिया और बड़े अच्छे तरीके नाल इन्होंने प्रेजेंट किया, सानू बहुत अच्छी लगी। आई होप तुहानू वी जो तकरीर अच्छी लगी होगी, साडा रिएक्शन किस तरह का लग्या तुसी सानू नीचे कॉमेंट्स में जरूर दसना जी। साडी वीडियो नू लाइक करो, साडे चैनल नू सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना जी। सत श्री अकाल।